और ये देखो दोस्तों, इसका गेट है यार, पर्यटन केंद्र रनघाग। झूला झूलने के लिए भी बनाए हैं दोस्तों। ये देखो पानी थोड़ा कम हो गया है यार, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा गिरता होगा तो बड़ा वाटरफॉल बनता है दोस्तों। इसका लोकेशन आप लोग चेकआउट कर सकते हो यार, ये देखो किस टाइप से लग रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो अभी मैं हूँ यार फिलहाल में NH 43, जो कि मैं यार अंबिकापुर आया हुआ था। आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। तो यार मैं अभी जाने वाला हूँ रनघाट वाटरफॉल, और रनघाट में नर्सरी भी है, और यार वहाँ पिकनिक के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है यार, तो उसको आप लोगों को दिखलाऊँगा। और एक छोटा वाटरफॉल भी है, तो चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखलाऊंगा कि किस किस में से हो करके जाते हैं दोस्तों उसको। यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा लेफ्ट, जो कि चंद्रा जो है, चंद्रा गांव, वहीं से हम लोगों को लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो चलो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना दोस्तों, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों हम लोग को यहीं से जाना है यार लेफ्ट। ये देखो पर्यटन केंद्र रनघाट चंद्रा वन मंडल, तो यहीं से यार जाना पड़ेगा अंदर साइड। और दोस्तों थोड़ा रोड ख़राब है यार, ये तो आप लोग समझ ही सकते हो यार, कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ का नियम है कि रोड ख़राब ही रहता है, और इधर भी रोड ख़राब है वाटरफॉल तक। लेकिन घूमने के लिए बेस्ट जगह है दोस्तों, आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करिए यहाँ। ये देखो दोस्तों, आप लोगों को रनघाट वाटरफॉल जाना है तो इसमें से जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यार वाटरफॉल तक जाने के लिए ही एक मात्र रास्ता है। और दोस्तों मेन रोड से यार आप लोगों को 5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, और ये है चंद्रा में, चंद्रा ग्राम से आप लोगों को अंदर आना पड़ेगा 5 किलोमीटर, क्योंकि रास्ता को देख सकते हो यार किस टाइप से है दोस्तों। पिकनिक के लिए यार लेकिन बहुत ही मस्त मस्त जगह है यार, मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, आप लोगों को दिखलाऊंगा अभी। और कितना ज़्यादा पानी है यार अभी तो नहीं पता, हम लोग एक बार आए थे 2-3 साल पहले तो बहुत ही अच्छा लगा यार यहाँ पिकनिक आए थे। नहीं है यार ये देखो, और दोनों साइड में देख सकते हो दोस्तों किस टाइप से यार बड़ा बड़ा पेड़ है, दोनों साइड में जंगल है, और बीच में बहती है दोस्तों नदी, तो वही नदी में एक वाटरफॉल है। और देखते हैं आप, यहाँ भी पर्यटक लोग के लिए बहुत ही मस्त बना दिए हैं, मैं वीडियो सब में देखा था। और ये देखो दोस्तों, इसका गेट है यार, पर्यटन केंद्र रनघाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़। तो चलते हैं अभी अंदर। टिकट कटवाना पड़ेगा गाड़ी को। किधर से नजदीक पड़ेगा, और ये देखो दोस्तों ये है, यहाँ आते हैं तो टिकट कटवाना पड़ेगा 10 रुपया। और देख सकते हो यार पहले से बहुत चेंजेस हो गया है यहाँ का नज़ारा,
और ये देखो दोस्तों अभी इधर गार्डन सब भी बना दिए हैं यार बैठने के लिए, पहले इतना व्यवस्था नहीं था। ये देखो इधर वन प्रबंधन समिति चंद्रा कैंटीन है, और ये देखो यार किस टाइप से बना दिए हैं दोस्तों। इधर बैठने के लिए वो है यार, वो देखो पानी आते रहेगा तो वहाँ भी आप लोग बैठ सकते हो। और दोस्तों पहले से यार बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है, पहले इस टाइप से नहीं था, और अभी साल दो साल में ही यहाँ का पूरा वो बदल गया यार। तो आप लोग यहाँ पिकनिक के लिए आ सकते हो, बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों। मैं तो आज पहली बार आ रहा हूँ यहाँ, मतलब दो तीन साल के बाद वो भी। तो चलो दिखाता हूँ सामने तरफ के कैमरा से, आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि यार वीडियो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये देखो उधर यार पूरा पेड़ पौधा है, नर्सरी है। ये देखो इस टाइप से है, इधर आप लोग घोंसला घोंसल सकते हो। और इस साइड में बरामदा है बैठने के लिए, ये देखो। और इधर यार तालाब बना दिए हैं इधर, ये देखो, जो कि तालाब में फूल भी खिला हुआ है यार, लोटस बोलते हैं कि हर तालाब में कमल का फूल नहीं खिलता है, लेकिन यहाँ ये देखो खिला है, लगाए हैं, तो बहुत ही मस्त लग रहा है दोस्तों, प्यारा लग रहा है यार। और इधर है यार गार्डन है छोटा सा, और उधर दोस्तों बड़ा गार्डन है यार, यहाँ से आप लोग पौधा उधा ले जा सकते हो। ये देखो तो यार यहाँ बहुत ही, तो दोस्तों यहाँ यार बहुत ही अच्छा लगा यार आके। और उधर यार पिकनिक आए थे तो चूल्हा उल्हा सब बनाए हैं यार, और पानी का भी दोस्तों यहाँ पूरा व्यवस्था है बैठने के लिए है, उधर चेयर बनाए हैं, और जगह जगह पे यार यहाँ पानी भी है। और इधर ये देखो एक चेयरे है, ये देख सकते हो। यहाँ वो है यार, ये देखो झूला झूलने के लिए भी बनाए हैं दोस्तों। एक वो है, उधर घोंसला है, उधर बरामदा है, ये घोंस बैठने के लिए झूला, और ये भी झूला, और इधर यार घोंसला छोटे बच्चों के लिए है। ये देखो कोई भी घुसल सकता है यार, मस्त है, अच्छा है। और इधर शायद समिति वाले रहते होंगे, और कोई भी अगर पिकनिक आते हैं तो बारिश उरिश होते रहेगा तो यहाँ आप लोग रुक सकते हो समिति वालों से बात करके। अंदर है चेयर वेयर दोस्तों। ये देखो ये है अपना वाटरफॉल रनघाट। ये देखो पानी थोड़ा कम हो गया है यार, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा गिरता होगा तो बड़ा वाटरफॉल बनता है दोस्तों, अभी पानी कम हो गया है इस वजह से छोटा वाटरफॉल बन रहा है। जैसा भी है यार छोटा है पर मस्त है। ये देखो यहाँ का लोकेशन किसी टाइप से है दोस्तों,
और इधर देख सकते हो यार पूरा बड़ा बड़ा पत्थर है नदी में। ये है यार अपना रनघाट वाटरफॉल, ये देखो कुछ इस टाइप से है दोस्तों लोकेशन यार, और झरना को भी आप लोग देख सकते हो। और ये देखो दोस्तों किस टाइप से है यार, यहाँ नली बना दिए हैं पानी जाने के लिए ताकि सभी तरफ पानी ना जाए, ये देखो। और यहाँ एक छोटा पुल बनाए हैं यार, वाओ ये है यार छोटा ब्रिज, और नीचे से पानी बह रही है दोस्तों देख सकते हैं यार इधर। ये देखो इधर और यहाँ पास डैम था दोस्तों, तो इसको खोल दिए हैं देख सकते हैं यार। और वहाँ दोस्तों छोटा सा वाटरफॉल बन रही है, और रुकने के लिए देखो पानी आते रहेगा तो वहाँ भी बनाए हैं, एक दिख रहा होगा आप लोगों को रेड कलर का है। तो चलो दिखाता हूँ वाटरफॉल ऊपर से किस टाइप से दिखता है यार, ये देखो। ये दोस्तों नीचे वाटरफॉल यहीं से बनती है यार, अगर ज़्यादा पानी गिरते रहेगा तो इसमें से हो करके इस टाइप से बनता है। और ये देखो, और जो बड़ा वो दिख रहा है पानी वहीं पास जाके गिरती है यार, बहुत ही खूबसूरत लगता होगा यार जब पानी बहुत ज़्यादा गिरता होगा, और अभी भी लग रहा है दोस्तों। और यहाँ का लोकेशन आप लोग चेकआउट कर सकते हो यार, ये देखो किस टाइप से लग रहा है। और ये देखो दोस्तों जो पुल बनाए हैं लोहा का है ये वाला, तो इसी के नीचे में से पानी बह रही है, देखो इधर नीचे में भी पानी बह रही है। और यहाँ से यार पानी गिरते रहता है तो वाटरफॉल का भी आप लोग नज़ारा देख सकते हो किस टाइप से है। यहाँ से यार बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, ये देखो। आप लोगों को यार यहाँ का वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर यार मैं अंबिकापुर से रनघाग वाटरफॉल की दूरी की बात करूँ, तो यार यहाँ से यार आप लोगों को अंबिकापुर से रनघाट वाटरफॉल की दूरी मात्र 12 किलोमीटर पड़ेगा, और रघुनाथपुर से यार आप लोगों को 4 किलोमीटर पड़ेगा, और बतौली से आप लोगों को 20 किलोमीटर पड़ेगा यार रनघाट वाटरफॉल। तो यार यहाँ आप लोग पिकनिक आ सकते हो, पिकनिक के लिए बहुत ही फेमस और बेस्ट जगह है दोस्तों, और ज़्यादा दूर भी नहीं है इस वजह से बोल रहा हूँ। और यहाँ का आप लोग देख सकते हो अगर पानी भी आते रहेगा तो रुकने का पूरा जुगाड़ है दोस्तों। तो यार आप लोगों को यहाँ का वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, इंस्टा आईडी फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द यार एक न्यू वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रहेगा दोस्तों, बाय बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।